आज कानूनदान के साथ मैं हूं सलमान अहमद और आज हमारे कानूनदान हैं जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब। आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और एजुरस एडवोकेट्स एंड कॉरपोरेट कंसल्टेंट्स के नाम से फर्म में पार्टनर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे प्रोग्राम का कुछ फॉर्मेट ऐसे है कि हम पहले फैमिली बैकग्राउंड और कल्चरल बिलोंगिंग से शुरू करते हैं, तो हमें बताएं कुछ अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आप कहाँ से? So originally I come from a place in district Khushab which is called Wadi Asoon Sige, sir. So that's where I come from, and I am technically a third generation lawyer in my family with my grandfather's brother. He was the first lawyer in the family back in the 1920s, and then we've had several other law graduates including my father, but none of them took law as a vocation. Most of them, they went into public service and politics. So there's some in civil services, some in politics, but I am the only one who took it up as a profession, so to speak. So yeah, so that's about it. So apni education ke bare mein bataye, kahan se aapke? So high school cadet college Hasan Abdal gaye, aur uske baad graduation and LLB University of Punjab ho gaya, LLB kiya, and Punjab University Law College se LLB karne ke baad yahan 2 saal kaam kiya Lahore mein, and while working also taught a visiting faculty at a local law school, law college here. In 2004 mein I went to the US to do my master of laws, LLM kiya. And law ki taraf aane ka rujhan kya walid sahab ki family inclination thi ya khud se choose kiya ke aur jala law? Actually, you know, as far back as I can think, I wanted to be a lawyer. So mujhe ye to bilkul vividly yaad hai ki jab main 1992 mein cadet college Hasan Abdal ka entrance interview de raha tha, to at that time late principal, he asked me what I wanted to be, and I told him I wanted to be a lawyer. So it was in 8th grade. But usse pehle bhi law to karna tha, ye tha. Ab wo reasons kya ho sakti thi, us zamane mein khair zyada passion jo hai wo politics ki taraf tha. To us waqt ye tha ki law karna hai aur fir ultimately politics karni hai. Khair abhi politics is on the back burner at the moment, but yes. So kabhi I think wo doubt nahi tha ki profession kya hai, चूज करना है, तो लॉ वाज ऑलवेज समथिंग दैट आई हैड टू डू। पॉलिटिक्स इज एट द बैक अभी? हां, आई मीन दैट इट रिमेंस अ पैशन, बट इस वक्त आई डोंट नो वेदर इट इज गोइंग टू हैपन एनी टाइम सून और नॉट, बट यस, एट ग्रोइंग अप इट वाज लॉ एंड पॉलिटिक्स। तो लॉ स्कूल से निकलने के बाद वकालत किन के साथ शुरू की, उस्ताद कौन है? यहाँ मैंने प्रैक्टिस किया था यहाँ पे 2 साल, फर्म कॉल्ड इरफान एंड इरफान इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की उनकी स्पेशलाइजेशन है, सो आई वर्क विद देम फॉर 2 ईयर्स, और 2 साल उनके साथ काम किया, फिर एज आई सेड पढ़ाया, फिर एलएलएम के लिए चले गए, फिर मैं 4 साल न्यूयॉर्क काम किया मैंने विद 2 US लॉ फर्म्स, उनमें दोज 4 ईयर्स आई स्पेंड 3 इन न्यूयॉर्क और 6 महीने की, फिर 2 secondments किए उन फर्म्स के लंदन और दुबई ऑफिसर्स के साथ बिफोर आई मूव बैक। तो सो बिफोर सेटिंग दिस ऑफिस अप, 6 साल जो काम किया था, 2 साल यहाँ लाहौर किया था, 3 साल न्यूयॉर्क और बाकी 7 लंदन दुबई में किया था। तो लोग तो चाहते हैं कि किसी तरह से यहाँ से निकल जाएं और अमेरिका या कहीं यूरोप में कहीं भाग निकलें, तो वापस कैसे खींच लाया? आई थिंक मल्टीपल फैक्टर्स थे। एक तो पहाप्स ये था कि जिस उम्र के जिस हिस्से में मैं ऑब्वियसली गया, तो बहुत सारा कुछ आप डिवेलप हो चुके होते हैं एज अ पर्सन। आई वॉज 24 ईयर्स ओल्ड 25 ईयर्स ओल्ड व्हेन आई वेंट टू डू माई एलएलएम, और उस वक्त तक आप ज़िंदगी की आपकी सिमत का तयन बाय एंड लार्ज आप अपने जहन में एटलीस्ट कर चुके होते हैं कि आप ज़िंदगी में अब आगे करना क्या चाहते हैं। सो मैंने जो एज आई सेड ग्रोइंग अप इट वाज लॉ एंड पॉलिटिक्स एंड ऑल ऑफ इट वाज वेरी पाकिस्तान फोकस्ड। दूसरा ये कि जब मैं गया तो उस वक्त ऑब्वियसली एलएलएम करने के बाद ये ख्वाहिश थी कि बाहर काम करने का मौका मिले तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होगा और फिर वापस आके अपना करेंगे। सो वो किसी स्टेज पे ये एम्बिग्विटी नहीं थी कि जी नहीं करेंगे। मैं और मेरे पार्टनर ने भी, उन्होंने भी न्यूयॉर्क कुछ अर्सा काम किया, बट वो भी जब व्हेनेवर ही वुड कम एंड विजिट
the US, जब वहाँ होता था तो सारी कॉन्वर्सेशन का फोकस यही होता था, बिकॉज वो ज़रा पहले आ गए थे, मैं ज़रा बाद में आया, वो 2005 में आ गए, मैं नॉक एंड में आया, तो वो यही होता था कि यहाँ क्या करेंगे, और वो सो इट वॉज ऑलवेज पाकिस्तान फोकस्ड के वापस ही आना था, वहाँ रहने का तो कभी भी कोई उस तरह से नहीं था, बट ग्रेटफुल कि वो जो एक्सपीरियंस वहाँ पे मिले उसका फिर बहुत बहुत फ़ायदा हुआ, उसका बहुत एडवांटेज हुआ यहाँ पे, जो वर्क एथिक है वहाँ की या जो काम करने का तरीका है उसका बहुत फ़ायदा हुआ। यू डिड योर एलएलबी हियर इन पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, जी जी, और जिसे हम कह लें कि दुनिया के अगर वो लोएस्ट स्टैंडर्ड में गिने जाएं तो उनमें कहीं हम, अनफॉर्चुनेटली सो वो हो गया, मैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज गया, और उसकी भी रीज़न मेरी तो खैर यही थी कि मेरी फैमिली से कुछ सात आठ ग्रेजुएट्स, लॉ ग्रेजुएट्स उस कॉलेज से निकले थे स्टार्टिंग फ्रॉम 1928, सो ऑलमोस्ट उसके बाद 40s 50s बारिंग एक आठ डेकेड छोड़कर हर डेकेड में बाय द टाइम आई वेंट देयर एक लॉ ग्रेजुएट हमारी फैमिली से आ रहा था वहाँ से, सो वी हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जो डिटीरियरेशन हुई है हमारे हर इंस्टीट्यूशन में, जो इंस्टीट्यूशनल डिटेरियरेशन हुई है उसका पहला निशाना पहाप्स हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बने, जिसकी वजह से फिर आप देखते हैं कि वो जो उन्होंने मीडियोकर लीडरशिप प्रोड्यूस की है और जो मीडियोक्रिटी आपको सिस्टम में हर जगह नज़र आती है उसका जेनेसिस आपके यही पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस थे या पब्लिक यूनिवर्सिटीज या पब्लिक कॉलेजेस थे, सो उसका जाहिर है आपको, लेकिन वो फिर ये होता है कि ये जो फ़र्क है ना कि आपके जो एक्सेलेंस के आपके जो छोटे छोटे आइलैंड्स आपने क्रिएट किए हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी अगर आपने कोई क्रिएट की है तो उसका फ़ायदा आपको ये हो जाता है कि वहाँ से ओवरऑल जो प्रोडक्ट बाय एंड लार्ज जो लोग निकलते हैं अच्छे निकल आते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस नहीं रहे तो वहाँ पर बाय एंड लार्ज अच्छी प्रोडक्ट नहीं निकलेगी, फिर एक्सेप्शन है कि जो खुद मेहनत करके कुछ लगा कर आगे निकल आए, सो कोई एडवांटेज फ्रेंकली स्पीकिंग यू आर राइट यू हैव अ पॉइंट हियर कि भाई वो वहाँ से नहीं उस तरह से वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस नहीं रहे, मगर ये था कि एटलीस्ट एक ये होता है कि आपका अपना अगर फोकस क्लियर रहे और आपकी अपनी वो सिम्प दुरुस्त रहे तो फिर आप इतना ज़्यादा सराउंडिंग्स आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इफ़ेक्ट नहीं करती। पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज की बहुत रिच हिस्ट्री और कल्चर है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन द सब कॉन्टिनेंट, पंजाब यूनिवर्सिटी बनने से पहले का है, पंजाब यूनिवर्सिटी जब बनी थी तो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज इसको द लॉ कॉलेज कहते थे और जो ओरिएंटल कॉलेज था ये दो कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस थे और फिर यूनिवर्सिटी को बनाने वाले ये दो कॉलेजेस थे। 1870s में जो चार लॉ कॉलेजेस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खोले थे यहाँ इंडिया में तो ये उनमें से एक था, सो हिस्ट्री बहुत थी बट डिटीरिएशन हुई, सो मगर एज आई सेड फोकस था और एक सपोर्ट भी थी वहाँ पे, इस तरह से आप कहें हमारे प्रिंसिपल होते थे डॉक्टर दिल मोहम्मद मलिक, ही वाज अ ट्रेमेंडस सपोर्ट, ग्रेट सपोर्ट उनकी तरफ से मिलती थी, वो अच्छा परफॉर्म करते थे, अच्छी यानी एकेडमिकली ठीक थे तो उनकी सपोर्ट बहुत होती थी, सो सपोर्ट मिलती है, अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन्वायरमेंट उतनी कुछ अच्छी नहीं रही मगर ठीक था। तो कितना मुश्किल था पंजाब यूनिवर्सिटी से जाके हार्वर्ड, दुनिया का टॉप लॉ स्कूल, तो उसमें एडजस्ट होना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो आई थिंक बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप और हार्वर्ड भी ज़ाहिर है जब इनटेक भी हो रही होती है या जो आपका ज़ाहिर है वो इंटरव्यू तो नहीं करते हैं स्टेज पे, एलएलएम की स्टेज के ऊपर वो ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं जो आप उनको लिख कर भेजते हैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, पर्सनल स्टेटमेंट, उसके ऊपर वो बहुत रिलाई कर रहे होते हैं एंड जो आपके बाकी एप्लीकेशन जा रही होती है, सो उसके बाद वो डिसीशन लेते हैं होम टू टेक एंड होम नॉट टू टेक, कोई दुश्वारी नहीं हुई फ्रेंकली स्पीकिंग, उसकी वजूहात क्या है मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं मगर ऐसा कोई दुश्वारी नहीं हुई। अच्छा हम यहाँ पे देखते हैं कि जो यंग वकील यहाँ पे काम शुरू करता है, एक तो क्वालिटी वर्क की उसे मुश्किल होती है, क्वालिटी वर्क मिलना, सिखाने वाले का मिलना, फिर उसके बाद फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी उसे कि कोई पे करने का उस तरह से सिलसिला था नहीं। आपने जब US में काम शुरू किया तो यहाँ के मुकाबले में वहाँ पर क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं एक नए वकील को? वहाँ तो देखें फ्रेंकली स्पीकिंग यू नो व्हेन आई गॉट एक्सेप्टेड गॉट एन ऑफर टू वर्क इन न्यूयॉर्क तो वहाँ पे तो लॉ इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन, वन ऑफ द मोस्ट हाईली पेड प्रोफेशन एक्चुअली, जो एंट्री लेवल के ऊपर जो लॉयर्स की सैलरी है वो तो किसी और प्रोफेशनल की नहीं है वहाँ पे,
ना बैंकर्स की है, ना डॉक्टर्स की है, किसी और की नहीं है जितनी लॉयर्स की होती है, द प्लेस वेयर दे स्टार्ट. कंपेटिटिव वो भी बहुत है, मगर लॉ का जो प्रोफेशन है इट हैज़ इवॉल्वड इन द US, वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है. यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं, जो प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो यंग लॉयर्स को आता है, देखें दो लेवल पर प्रॉब्लम है. डिमांड सप्लाई रेगुलेटेड नहीं है. हमारा सिस्टम कितने लॉयर्स एब्जॉर्ब कर सकता है और कितने सिस्टम में आ रहे हैं वो कोई रेगुलेटेड नहीं है. ये जिसकी वजह से आपको लॉयर ज़्यादा नज़र आते हैं, काम कम नज़र आता है. दूसरा प्रॉब्लम ये है कि लॉ फर्म्स कुछ इवॉल्व नहीं हुए, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो उस तरह से इवॉल्व नहीं हुए. और थोड़ा सा कल्चर भी जो है वो ज़्यादा इंडिविजुअल्स के इर्द गिर्द बिल्ट है, कि जो फॉर एग्जांपल लिटिगेशन के अंदर दे वांट अ क्लाइंट, इफ़ ही कम्स टू यू ही वांट्स अ पर्टिकुलर लॉयर टू रिप्रेजेंट हिम, ही इज नॉट लुकिंग फॉर अ फर्म टू रिप्रेजेंट हिम, ही लुकिंग फॉर अ लॉयर टू रिप्रेजेंट हिम, जिसकी वजह से फिर वो सारा कुछ बिल्ट ही अराउंड दैट लॉयर हो रहा होता है. And this is largely because the system उस तरह से develop नहीं है. And फिर उसका जो कबाहत आती है, जो problem आती है, वो ये आती है कि वो जो फिर वो जो firm culture है कि हर साल कितने लोग वो absorb कर सकती है, कितने लोगों को retain कर सकती है, कितने लोग आगे फिर निकल कर कुछ और करने जाते हैं, वो उस तरह से नहीं, markets develop नहीं है. Market की development के अंदर फिर multiple factors हैं, of course. सबसे बड़ा factor जो है वो मार्केट फोर्सेस, जिसके अंदर सबसे बड़ा आपका क्लाइंट होता है, जो सबसे बड़ी डिटरमिनिंग फैक्टर होता है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है. और फिर आपका जो ओवरऑल सिस्टम है, इज इट ड्रिवन अराउंड इंडिविजुअल्स और इट इज़ एब्जॉर्बिंग और एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ए फर्म, दैट अ पर्सन कमिंग यू नो एंड रिप्रेजेंटिंग एंड गेटिंग द सेम गेटिंग द लेवल प्लेइंग फील्ड सो टू स्पीक इन द सिस्टम. वहाँ पे हम नहीं पहुँचे हैं. हमारे हमसाए में इंडिया में फॉर एग्जांपल वहाँ पे वो लोग पहुँच गए हैं कहीं हद तक. वहाँ पे फर्म्स बड़ी बन गई हैं, यानी 300-300 लॉयर्स की फर्म बन गई है. एक बड़ी फर्म है, उसका नाम है अमरचंद मंगलदास, सो वो एक उसके 300 से ज़्यादा वकील हैं अक्रॉस 2-3 ऑफिसेज दैट दे हैव इन इंडिया. सो उनकी एक कैपेसिटी है, वो फिर एब्जॉर्ब होते हैं, वहाँ पे लोग आते हैं अच्छे स्कूल से. हमारा अभी तक वो नहीं है, जिसका इफ़ेक्ट आपको ये नज़र आएगा कि जो आपके अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल लम से बच्चे निकल रहे हैं या आपके ये एक्सटर्नल प्रोग्राम से करके जाते हैं फिर बाहर करके आते हैं, उनकी भी एब्जॉर्ब करने के उनको उनको यू नो ये जो 40-50 का अच्छा लॉट या 60 का अच्छा लॉट आ रहा है, उनको एब्जॉर्ब करने की भी कैपेसिटी स्ट्रेट अवे मार्केट में नहीं है. दे ऑल्सो हैव टू स्ट्रगल टू गेट प्लेसमेंट्स इतनी एब्जॉर्प्शन में. और मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर आपको साल में देखना पड़े कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जो तीन बड़े सेंटर्स हैं, वहाँ पे हर साल 70-80 नए लॉयर्स को, टॉप लॉयर्स को या टॉप फर्म में एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, वो आप ज़रा सर्वे कंडक्ट कीजिएगा, मेरा ख्याल है नहीं है अभी भी. सो देयर इज दिस प्रॉब्लम इन द मार्केट हियर, एंड इसका कोई शॉर्ट आंसर भी नहीं है, कोई फिक्स भी नहीं है, क्विक फिक्स भी नहीं है इसका, मगर ये जेन्युइन इश्यूज हैं. और उसमें आप अगर कहें कि क्या चीज़ है जो इसको ठीक कर सकती है, मेरा ख़्याल है एक तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें ये थोड़ा सा रेगुलेट करना पड़ेगा कि इस प्रोफेशन में एंट्री कितने लोगों की होनी है, ताकि फिर फ्रस्ट्रेशन ना हो लोगों को, उतनी एंट्री हो जितनी मार्केट एब्जॉर्ब करती हो, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये इक्विलिब्रियम बेहतर होगा तो फिर और बेहतर होता चला जाएगा. मगर शुरू में यंग लॉयर्स जनरली हु आर नॉट एबल टू गेट गुड प्लेसमेंट्स, तो बहुत फ्रस्ट्रेशंस है, कोई शक नहीं है. इन यूएस और अब तो इंडिया में भी लॉयर्स कैन एडवर्टाइज देमसेल्फ, पाकिस्तान में दे कैन नॉट, हाउ डू यू सी? देखिए एडवर्टाइजमेंट दो 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 चीज़ें हैं. वहाँ पे तो आप देखें ना, वहाँ पे यू नो जो टॉप फर्म्स हैं फॉर एग्जांपल, यू नो वो मार्केटिंग करते हैं, बट मार्केटिंग करने का एक तरीका है उनका. वो फॉर एग्जांपल दे वुड ऑर्गेनाइज इवेंट्स, दे वुड स्पॉन्सर कॉन्फ्रेंसेस, वो ये जो लॉ फर्म्स की रैंकिंग कर रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, वो उधर अपनी प्लेसमेंट्स करा लेते हैं एंड सो ऑन. सो इट इज़ मोर लाइक एन इंट्रोडक्शन दैट दे यू नो विद दे आर अलाउड टू गिव.
सो वो मार्केटिंग का वो एक उनका है तरीका, और उस पर तो यहाँ भी कोई ममानियत नहीं है. यहाँ पे अगर कोई लॉ फर्म किसी इवेंट को स्पॉन्सर करती है या किसी लीगल कॉन्फ्रेंस को स्पॉन्सर करती है तो उस पर कोई मना नहीं है, कर सकते हैं स्पॉन्सर ऑफ कोर्स. कोई अगर कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उस पर कोई मना नहीं है. जो इंटरनेशनल ये जो रैंकिंग वाली जो है ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ पर आपने अपने आप को एडवर्टाइज करना है तो वो भी इजाज़त है, उसमें भी कोई ममानियत नहीं है. मगर आप यू पब्लिसिटी अपनी नहीं कर सकते कि आप यू नो यू आर एक्स वाई जी स्पेशलिस्ट. आई थिंक दिस इज ये वो खैर वहाँ पे वो हो जाता है, वहाँ पे अलाउड है, वहाँ पे टीवी एड्स भी रन कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं. हमारे यहाँ आई थिंक वी आर मोर रूटेड इन वो जो हमारी पुरानी जो हिस्ट्री है प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स एंड ऑल, सो उसमें हम हैं. इन अ वे ठीक भी है, बिकॉज देखिए ना हमारी वो एडवर्टीजमेंट्स के अंदर फिर आपका फिर वो वाली साइड भी तो इतनी रेगुलेटेड नहीं है ना कि कितनी डिसेप्टिव कैंपेन्स रन करना शुरू करें और लोगों को जो है मिसलीड कर लें इन द प्रोसेस. सो वो उसकी वजह से प्रॉबेबली आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि इसको इसी तरह से कंट्रोल्ड रखा हुआ है, विच इज़ इन माय ओपिनियन फॉर द टाइम बीइंग इज़ फॉर द बेस्ट कि ऐसे ही रहे तो लार्जली ठीक है. अगर ये रेगुलेट हो जाए, अब रेगुलेट दो तरीके से ही होता है ना, एक कोई रेगुलेटर रेगुलेट कर ले या जो एडवर्टाइज़र है जो जिस मीडियम पे एडवर्टाइज हो रही है वो उसको रेगुलेटेड रखे, वो उसको विद इन द रैल्म ऑफ यू नो वो जो बार काउंसिल का हमारे कोड ऑफ एथिक्स है या जो लीगल प्रैक्टिशनर्स रूल्स हैं उसके अंदर अंदर अगर रख सकें तो फिर तो कोई मसला नहीं है. तो हो सकता है आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद हमने देखा कि आर्मी कोर्ट्स हैं, दो साल बाद कोई सिस्टम में चेंजेस नहीं लाई गई जिस वजह से दोबारा से आर्मी कोर्ट्स लानी पड़ी. अब तकरीबन दो साल दोबारा से गुजरने वाले हैं, क्या आप दोबारा से आर्मी कोर्ट्स आते हुए देख रहे हैं? आई थिंक ये मुकदमा था, ये जब सुप्रीम कोर्ट में हुआ तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इसमें पिटिशनर थी और उनकी वकील थी सासमा जहांगीर और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की भी पिटिशंस थी. तो उसमें फिर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से फिर आई वर्क विद हर ऑन दिस केस, ये जो 21st अमेंडमेंट का है मिलिट्री कोर्ट्स वाला, और उसमें इस चीज़ का तो मैं हामी नहीं था, हम नहीं थे. हमारी बहस भी ये थी कि वो जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो कोर्ट ने हमारे जूरिस्प्रूडेंस के अंदर अडॉप्ट कर ली गई इसके हम हामी नहीं थे, मगर कुछ वजूहात की बिना पर हम इस चीज़ के हामी थे कि शायद ये मिलिट्री है. क्यों मिलिट्री कोर्ट्स की ज़रूरत पड़ी? मिलिट्री कोर्ट्स की ज़रूरत, नाउ दीज आर हार्डन्ड क्रिमिनल्स टेररिस्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जिनको ट्राई करना आपके सिस्टम के अंदर प्रॉब्लमेटिक है. क्यों? आपका कोई विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम नहीं है, तो किसी की गवाही देना नामुमकिन है कि आप भले वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चला लें या कुछ चला लें उन जैसे लोगों के खिलाफ. ठीक, तो ना आप विटनेस को प्रोटेक्ट दे सकते हैं, ना आपकी एबिलिटी है जज को प्रोटेक्ट देने की, क्योंकि वो भी फिर वल्नरेबल है उन ग्रुप्स के निशाने पर. सो आपको इसलिए मिलिट्री कोर्ट्स लानी पड़ी कि ताकि वहाँ पे जो है एटलीस्ट जो ट्राई कर रहा है वो भी प्रोटेक्टेड है, प्रोसिक्यूशन का जो लॉयर है वो भी प्रोटेक्ट, उसकी भी प्रोटेक्शन ज़रूरी है. सो आपके जो सिविल सिस्टम है उसके अंदर वो प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है, आपके विटनेसेस नहीं आते हैं, आपके जजेस जो हैं वो जाहिर है वो उनकी जान को हर वक्त ख़तरा है. सो ये सारी वो चीज़ें, और ये ऐसा है नहीं कि माजी में हमारे एक हाईकोर्ट के जज थे जस्टिस आरिफ इकबाल भट्टी, उन्होंने फैसला दिया एक मुकदमे में तो उनकी असैसिनेशन हो गई. सो ये एग्जांपल्स हैं. एक और एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज थे, उन्होंने मुकदमों में फैसले दिए, उनके ऊपर हमले हुए. सो इसीलिए यू नो इन सारी चीज़ों को जब आप मद्देनज़र रखते थे तो फिर उसमें समझ आती थी कि और कोई तरीका नहीं था, दिस वाज अ लास्ट रिजॉर्ट और एंड दिस विल रिमेन सो अनफॉर्चुनेटली. एज आई सेड कि विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स नहीं हैं तो गवाह नहीं आ सकते, आप उन वकला को कैसे प्रोटेक्शन देंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को कैसे प्रोटेक्शन देंगे. मगर एक आप आई थिंक ओवरऑल सूरत हाल में आप उसमें बेहतरी तो फिर भी देखते हैं. इस वक्त जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर इन द टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट के अंदर इज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड, मैनी रीजन्स, यानी हमारे इफेक्टिव सिक्योरिटी ऑपरेशंस, बट ऑल्सो एक डिटेरेंट भी आ गया, सीरियस डिटेरेंट आ गया कि भाई अगर आप पकड़े जाएंगे आपके ऊपर बड़ा स्विफ्टली मुकदमा भी चलेगा और आपको सज़ा भी मिल जाएगी. सो वो एक डिटेरेंट इफेक्ट जो है वो इसका ज़ाहिर है आया है, इफेक्टिवनेस है. वो बात आपकी ठीक है कि जी आपके जो सिविल जो जुडिशल सिस्टम है उसके अंदर ये प्रॉब्लम है प्रॉब्लम,
उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करना है, उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको रिसोर्सेज डेडिकेट करने पड़ेंगे, एलोकेट करने पड़ेंगे. विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम डजंट कम इन चीप. आपने उस विटनेस की नई आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, एक नया इंसान बनाकर उसको आपने कहीं पर करना है. एंड स्टेट की प्रोटेक्शन चाहिए, तो क्या स्टेट के पास वो रिसोर्सेज हैं? जवाब है नहीं है. स्टेट जजेस को, उन जजेस को फिर फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम प्रोटेक्शन दे सकती है, वो इतने शायद ना दे पाए. वो जो प्रोसिक्यूशन के वकील वकला हैं उनको दे सकेगी, शायद नहीं दे सकेगी. बट देन ऑल्टरनेटिवली आपके पास एक सिस्टम था जिसमें ये मिलिट्री कोर्ट्स थी, एंड बिकॉज फौज के उस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो वैसे ही एक प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ बीइंग द आर्मी वो रहते हैं, और वो एंड दे आर ऑब्वियसली प्रिपेयर्ड टू डील विद एनी इवेंचुअलिटी. उनको थ्रेट तो उनको भी उतना ही हो सकता है, बट दे आर मोर प्रिपेयर्ड, दे हैव द रिसोर्सेज एंड दे आर मोर प्रिपेयर्ड. सो लिहाजा वो एक फिर सोल्यूशन निकला कि एज अ लास्ट रिजॉर्ट, सो वो रहेगा. तो इन योर ओपिनियन 10A की जो रिक्वायरमेंट्स हैं फेयर ट्रायल की, आर्मी कोर्ट्स क्या मीट करती हैं उन रिक्वायरमेंट्स? मैं अब उस पर बहुत ज़्यादा बिकॉज आई एम एक्चुअली नॉट फेमिलियर विद द वे दीज ट्रायल्स आर कंडक्टेड, सो आई एम अनएबल टू से कि जी वो कितनी वो मीट करती हैं कि नहीं करती. सो उस पर बहुत ज़्यादा कोई ओपिनियन अपनी नहीं दे सकता, ऑब्जेक्टिव ओपिनियन तो नहीं दे सकता. मगर ऑब्वियसली जब मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो तो ये जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है रियासत पर कि उसमें ए कोई ऐसा शख्स जिसको ज़रा सा भी यू नो जो वो बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट और उसका स्टैंडर्ड भी हाई रख कर ही आपको उनको करेंगे, बिकॉज आप उनको बड़े समरी प्रोसेस में से ट्रायल करके आप उनको यू टेकिंग देयर लाइव्स अवे इन मोस्ट केसेस और यू नो पुटिंग देम बिहाइंड बार्स फॉर लाइफ. सो उस सूरत में तो फिर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बिल्कुल एक सर्टेंटी हो कि जिन लोगों को आप ट्राई कर रहे हैं उन कोर्ट्स में, वो ट्रायल के लिए सिर्फ वो लोग को उन लोगों को ही भेजें कि जिसके खिलाफ आपके पास बिल्कुल ओपन एंड शट केस हो. सो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो है वो फिर आई थिंक ऊपर चला जाना चाहिए. बट एज आई सेड आई एम नॉट एग्जैक्टली अवेयर ऑफ यू नो हाउ दिस वर्क्स, द ट्रायल वर्क्स एंड व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ दैट इज़ एम्प्लॉयड. इसलिए कोई बहुत ज़्यादा ग्रेटर डिटेल में कमेंट करना शायद मुश्किल होगा. यू केम बैक इन 2009. जी. जब आप पाकिस्तान आए तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, या आप कह लें कि एक तब्दीली आपने कैसी महसूस की जब आप यहाँ से एक सिस्टम को छोड़ के गए थे, एक स्मूथ जब चल रहा था, और जब 2009 में आप आए तो इत्तेहाद चोरी साहब बहाल हो चुके थे. जी, 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 या शायद बहाली का जी हो चुके थे, हो चुके हुए थे. जी, और उसके बाद जुडिशियल एक्टिविज्म का एक पूरा US में, तो वहाँ पे तो ये इस तरह से इतना ज़्यादा इस तरह से नहीं हुआ, तो यहाँ पे आके फिर हाउ वाज योर सो खैर व्हेन आई वेंट अब्रॉड सो आई डिड नॉट मेरी कोई हाई कोर्ट में ज़्यादा पेरेंट्स नहीं थी और वो ज़्यादा वापस आकर ही हुई. सो वो फ़र्क तो ज़ाहिर है था. कोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा इंडलजेंट थी, जो जुडिशल रिव्यू था वो ज़्यादा कोर्ट जो है अपनी जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स थी कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्डिक्शन के अंदर कोर्ट्स जो हैं वो प्रोएक्टिवली वो एक्सरसाइज कर रही थी उसको. सो उसका मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में कहूँ तो मुझे तो उसका बहुत एडवांटेज हुआ, बिकॉज आपके जो जजेस जिनके सामने हम पेश होते रहे और हो रहे हैं वो बहुत ब्रॉड व्यू लेते हैं अपनी जो द पावर्स दे हैव अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. सो वो जो आपको एक जो कंजर्वेटिज्म था वो नहीं रहा था, ज़्यादा लिबरल थी कोर्ट राइट्स की इन्फोर्समेंट में, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट में. सो वो एज अ लॉयर तो उसका फिर एडवांटेज हुआ, नेचुरली हुआ. अच्छा, लोगों का फिर फेथ बढ़ा जस्टिस सिस्टम के ऊपर इसकी वजह से, और जब फेथ लोगों का बढ़ता है तो फिर लोग अदालतों के पास ज़्यादा जाते हैं. यही फेथ जब डिमिनिश होता है तो फिर नहीं जाते. सो इसलिए ये उस वक्त उसका बहुत व्हेन आई केम बैक आई थिंक द सर्कमस्टांसिस वर जस्ट वेरी कंड्यूसिव from my standpoint, from my perspective, to be back and practicing as a lawyer. अब भी हम इस साल में भी देख रहे हैं कि तकरीबन वही सिलसिला काम चल रहा है, तो अब आप कैसे देखते हैं इसे? देखें, अब एक तो चीज़ बहुत आई थिंक ज़रूरी हो गई है और आइंदा के लिए ज़रूरी हो गई है,
और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बेंच तो कॉन्स्टिट्यूट किया है, और वो है कि 1843 की ये पावर आपने कैसे एक्सरसाइज कैसे होनी है। बिकॉज देखें, बुनियादी प्रॉब्लम फिर 1843 के साथ ये है कि ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, इसके खिलाफ कोई अपील भी नहीं प्रोवाइडेड है। अच्छा, आप अगर इसके रिव्यू के लिए जाते हैं तो इसके रिव्यू के लिए भी स्टैंडर्ड वही रखा जाता है जो आप आम किसी भी और रिव्यू के, जो आपका सीपीसी के अंदर जो रिव्यू का स्टैंडर्ड है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी पावर्स भी हैं रिव्यू की। मगर 1843 के अंदर दो प्रॉब्लम्स हैं, ए कि ये एक्सरसाइज होनी कैसे है और एक्सरसाइज करनी किसने है। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, द वर्ड द टर्म यूज्ड इज सुप्रीम कोर्ट, इट इज़ नॉट द चीफ जस्टिस और जजेस ऑफ द सुप्रीम, इट्स सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट द चीफ जस्टिस अलोन, इट्स चीफ जस्टिस एंड द जजेस। सो ये आई थिंक तरीकाकार अब तय होना चाहिए कि ये पावर किसको एक्सरसाइज करनी चाहिए। कोई कोई मैटर आता है तो क्या पूरी कोर्ट को बैठकर ये एक फैसला करना चाहिए कि इसके ऊपर ज्यूरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करनी है नहीं करनी, और फिर एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो जाए जो करे उसको एक्चुअली। मगर ये फैसला कि किसी चीज़ के ऊपर सुओ मोटो नोटिस लेना, ये किसको करना है? सो मेरे ओपिनियन में तो ये शायद एक 17 मेंबर की हमारी सुप्रीम कोर्ट है, वो वहीं बैठते हैं तो वो बैठ के एक फैसला कर सकते हैं। बेटर है इसके ऊपर सुओ मोटो लेना है, जब वो फैसला कर लेना है तो फिर चीफ जस्टिस बेंच बना दें, फिर कोई भी बेशक उस बेंच को चीफ जस्टिस ही हेड करें, कोई करें, मगर ये इख्तियार जो है ये सुप्रीम कोर्ट को खुद कलेक्टिवली करना चाहिए किस मैटर पर लेना है किस पर नहीं लेना। एक दूसरा ये कि उसमें आईनी तरमीम करनी पड़े कि जब सुओ मोटो हो तो फिर उसके लिए एक अपील का राइट मौजूद होना चाहिए, एट लार्ज एक इंट्रा कोर्ट अपील इन द सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए। ठीक है जी, वो अगर सुप्रीम कोर्ट का 3-member बेंच करता है तो एक 5-member बेंच के पास उसकी अपील का एक इख्तियार होना चाहिए, क्योंकि सुओ मोटो अगैन प्रॉब्लम है कि वो एक बड़ी इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स है, उसमें आप फैक्ट फाइंडिंग भी करते हैं, उसमें आप कानून पे भी फैसला करते हैं। जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं और फिर वो फाइनलिटी अटेन कर जाए तो फिर तो 10A तो बड़ा बुरी तरह से म्यूटिलेट हो जाता है, वायलेट हो जाता है उस प्रोसेस में। एट टाइम्स हो सकें इतमाल है होने का, ना होता हो मगर होने का गुंजाइश तो मौजूद है। सो उसके लिए फिर बड़ा ज़रूरी है कि ये दो चीज़ों पर फैसला हो जाए। एक ये तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स के नीचे हो सकता है, कोर्ट खुद कर सकती है कि इसको एक्सरसाइज करना है, बट उसकी जो अपील का राइट है वो देना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, वो आप लॉ रिफॉर्म्स के थ्रू दे सकें या आईनी तरमीम के थ्रू दे, बट वो देना पड़ेगा। अगर मैं दिस इज अ सॉर्ट ऑफ, शायद आप सोचेंगे बड़ा एवेसिव सा क्वेश्चन है, पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम में, हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, इसमें क्या बड़े मसाइल आपको नज़र आते हैं जिनको दूर करना ज़रूरी है? खासा ब्रॉड क्वेश्चन है। देखें, जस्टिस सिस्टम में हमारे इसमें ब्रॉडली स्पीकिंग 4 स्टेक होल्डर्स हैं, और अब हम इसके अंदर जब हम बात करेंगे तो हम ये सारी तीनों लेवल्स ऑफ जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, उसको सामने रख कर करेंगे। सो एक तो हैं आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, दैट इज़ योर जजेस। दूसरे हैं आपके जो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट्स हैं, वकला। तीसरे हैं आपकी जहाँ पे रियासत या रियासती इदारे, आपकी प्रोसिक्यूशन, आपकी पुलिस, आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो एक इसके अंदर उनका होता है। और फिर जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, दैट इज़ पब्लिक, जिनकी फैसिलिटेशन के लिए है जस्टिस सिस्टम। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो स्टेट का प्राइमरी फंक्शन है, उसके अंदर ये सब लोग इम्पॉर्टेंट हैं। अब प्रॉब्लम आपका किसी एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं है, ये चारों जगह पर ये ब्लेम आपको हर एक कब, यू नो, एवरी ईच वन ऑफ दीज 4 स्टेक होल्डर्स इज टू बी ब्लेम्ड फॉर द प्रॉब्लम्स दैट यू सी। लिटिगेंट भी जो है वो कुछ थोड़ा सा कल्चर ऐसा है जो हमारा, कम अज़ कम रूरल जो कल्चर है पंजाब, तो लिटिगेशन ड्रिवन बहुत ज़्यादा है, वो थ्राइव ऑन लिटिगेशन। सो लिटिगेशन भी एज अ लास्ट रिजॉर्ट नहीं समझा जाता, एज अ फर्स्ट रिजॉर्ट समझा जाता है किसी भी मसले के हल के लिए। एक ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कल्चरल इशू भी है अपनी जगह पर। दूसरा, आपकी जो ये, मैं ये लॉयर्स और जजेस की तरफ आखिर में आऊँगा डेलिब्रेटली। दूसरा आपका जो है, जो आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या आपकी जो प्रोसिक्यूशन वाली साइड है, उधर बहुत इनफिशेंसी है।
यानी आधे जो केसेस डिले होते हैं, एटलीस्ट इन माय एक्सपीरियंस जो मैंने देखे हैं, वो उधर की इनएफिशिएंसी की वजह से भी उनके केसेस डिले होते हैं, गवर्नमेंट के जवाब नहीं आते हैं, प्रेपरेशन नहीं, वो ठीक वो मटेरियल नहीं अपने काउंसिल्स को प्रोवाइड कर पाते हैं, एंड उसकी वजह से उनके केसेस में या तो वीकनेसेस रह जाती हैं जो विच कैन ईजिली बी ओवरकम बाय जस्ट मेकिंग द सिस्टम देयर ओन वर्किंग अ लिटिल मोर एफिशिएंट, वो रह जाता है उसकी वजह से. वकला, ये तो बड़ा सीरियस अब मसला हो गया है, बिकॉज आई थिंक इसमें हमें स्ट्रक्चरल थोड़ी सी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है अपने इस प्रोफेशन के अंदर, और जो मेरी नज़र में बहुत ज़रूरी है, दुनिया में कहीं भी जो रेगुलेटर होता है वो उनमें से नहीं होता जिसको उसमें रेगुलेट करना होता है, या उन पे डिपेंडेंट नहीं होता जिसको रेगुलेट करना होता है. यानी ये तो ऐसे ही है कि आपने पावर सेक्टर को रेगुलेट करना हो तो नेपरा के बजाय आप लेस्को को कहें कि भाई आप, या ये जो चार आठ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इनको कहें कि आप आपस में से किसी को डिसाइड कर लें कि आप रेगुलेट करेंगे, वो कैसे रेगुलेट करेंगे. सो बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस के रोल को हमें क्लियरली समझना होगा. बार एसोसिएशंस हर जगह दुनिया में, एसोसिएशन जैसे कोई भी होती है, बार एसोसिएशंस हैं, एंड पाकिस्तान में बार एसोसिएशन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया हुआ है डेमोक्रेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत किरदार अदा किया हुआ है. सो वो उनको करते रहना चाहिए, बार एसोसिएशंस होने चाहिए जैसे इलेक्शन हो रहे हैं, बिल्कुल होने चाहिए. बट बार काउंसिल्स को हमें चेंज करना पड़ेगा. बार काउंसिल्स के कोई इलेक्शन नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से, ये इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है कानून में. कैसे वो रेगुलेट करेंगे हमें जब हमारे वोटों से उन्होंने बन के जाना है, कैसे रेगुलेट करेंगे, हमारे पास आना ना वापस वोट लेने के लिए, कैसे रेगुलेट करेंगे हमें. सो जैसे दुनिया में होता है, और मेरे भी जेन में एक प्रपोजल थी कि आपने बार एसोसिएशन बार काउंसिल्स के लिए हमें कोई 75 मेंबर्स की ज़रूरत नहीं है, पंजाब में क्यों बार काउंसिल में 75 मेंबर हो, आप 10 मेंबर्स की पंजाब बार काउंसिल हो, और उसमें आप रखें उन वकला को जो या तो सीनियरिटी के उस लेवल पर पहुंच चुके हों कि वो अब प्रैक्टिस मजीद ना करना चाहें, या जो भी अब बार काउंसिल में सर्व करना चाहता है वो फिर ना करे प्रैक्टिस 4 साल जब उसने करना है, और उसको कोई इलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई और मैकेनिज्म वर्कआउट करें कि वो 10 बंदे आप पिक करें और वो फिर रेगुलेट करें. उन्होंने लाइसेंस देना है, उन्होंने लाइसेंस कैंसिल करना है, उन्होंने डिसिप्लिन करना है, उनके पास कंप्लेंट्स जानी है हमारी, हमारी कोई मैल प्रैक्टिस हो तो उसकी कंप्लेंट जानी होती है बार काउंसिल के पास, तो वो कैसे उस कंप्लेंट पर इंडिपेंडेंटली फैसला करेगा जब मुझे वोट लेकर बना होगा, नहीं कर सकता. सो ये हमें बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा. फिर उसी तरह से जैसे ये पंजाब में प्रोविंशियल बार काउंसिल्स की बात कर रहा हूँ, जैसे पाकिस्तान बार काउंसिल है मिसाल के तौर पर, उन्होंने तो लीगल एजुकेशन को भी रेगुलेट करना है. सो कैसे करेंगे आप रेगुलेट, यू आर डिपेंडेंट ऑन द वेरी पीपल जिनको आप रेगुलेट करने जा रहे हैं, नहीं कर सकते. सो इसके अंदर तो हमें ये बिल्कुल ये चेंज करना पड़ेगा कि ये बार काउंसिल्स का रोल आइडेंटिफाई करें, कवानीन में तरमीम करें, और ये ख़त्म करें ये इलेक्शन वाला तरीका का जो बार काउंसिल्स का. बार एसोसिएशन ज़रूर हर कोई इलेक्शन लड़े जो पॉलिटिक्स करना चाहता है, नॉट बार काउंसिल्स. सो उससे आपकी ओवरऑल जो आपके लीगल एजुकेशन में बेहतरी लानी, डिसिप्लिन ठीक करना आपने वकला का, और इस प्रोफेशन को ज़्यादा स्ट्रिक्टली रेगुलेट करना, उससे बेहतरी आ जाएगी. तो ये तीसरा, चौथा मोर, अब जजेस का. इसमें आई थिंक देखिए जजेस जो हैं वो भी इसी सिस्टम की प्रोडक्ट हैं. आपके जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जजेस इंडक्ट होते हैं वो यहीं इसी सिस्टम लीगल एजुकेशन से निकले हैं, जिस पे हम आई थिंक बाय एंड लार्ज एग्री कर सकते हैं कि वो लीगल एजुकेशन का सिस्टम को इतना अच्छा नहीं है. ठीक, लेकिन उसमें जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं, जो अच्छे होते हैं और जो इस तरफ जाना चाहते हैं, उनका आप कह सकते हैं कि एग्ज़ाम्स का प्रोसेस ठीक है, वो उसमें से होके जाते हैं. सो आप ये कहते हैं कि जो जज बनते हैं वो कम अज़ कम अपनी जो लॉ कॉलेज की या उसकी क्लास है, उस क्लास के अच्छे ब्राइट स्टूडेंट्स ही होते हैं. बट प्रॉब्लम ये है कि वो उस क्लास के ब्राइट स्टूडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्टिवली भी ब्राइट है. ठीक, ज़रूरी नहीं है, हैं बट ज़रूरी नहीं है. अच्छा, दूसरा आप ये देखें, आप कंपेयर करें ना फॉर एग्जांपल आर्मी के साथ, फ़ौज के साथ. तो फौज में ये होता है कि जब मिलिट्री एकेडमी से पास आउट करता है, सेकंड लेफ्टिनेंट बनता है, तो मेजर तक तो हर ऑफिसर चला जाता है. उसके बाद मेजर से बियॉन्ड लेफ्टिनेंट कर्नल तक 70% रिटायर होकर घर आ जाते हैं अपने कोर्स में से, स्टाफ कॉलेज में नहीं जाते. सो आपने जब लेफ्टिनेंट कर्नल बनना है तो आपने स्टाफ कॉलेज का कोर्स करना है.
उसके बाद मुसलसल ट्रेनिंग्स हो रही हैं, सब कुछ करते जा रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स हो रही हैं, फिर आपने ब्रिगेडियर से ऊपर जाना है तो आपने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप वो भी नहीं जा सकते. सो फिल्टर्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं. मुझे अब तो कुछ बेहतर हुई है ये पंजाब जुडिशियल एकेडमी पिछले 2-3 साल में, मगर उससे पहले तो आपको कोई ऑन जॉब ट्रेनिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही ज़्यादा नहीं था आपका कि ये जो आपके जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में लोग हैं इनकी ट्रेनिंग क्या हो रही है. फ्रेश ग्रेजुएट्स थे जिनको आपने लाकर आपने वो पे काम पे बिठा दिया विद अ लिटिल बिट ऑफ ट्रेनिंग, बट ऑन गोइंग ट्रेनिंग क्या हो रही है, उनको लेटेस्ट टेक्निक्स कैसे पता चल रही हैं, अपने काम को एफिशिएंट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे उनको सिखाया जा रहा है, एंड सो ऑन. सो ये सारा कुछ सिस्टम में एफिशिएंसी लाने के लिए है. फिर आपके हाई कोर्ट के जजेस एंड फिर सुप्रीम कोर्ट, तो खैर उस प्रोसेस में उसको भी ठीक करने की बहुत ज़रूरत है. आपको जो जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसको और ज़्यादा फेयर करना है. हमने अब ये तीसरा एक फेज़ है जो अपॉइंटमेंट प्रोसेसेस में हम देख रहे हैं. एक था अप अंटिल 1996 जब वो मशहूर अल जिहाद ट्रस्ट केस आया 1996 में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया. उससे पहले तक जो जजेस की अपॉइंटमेंट थी वो एग्जीक्यूटिव का इख्तियार था, ठीक है, वो बाइंडिंग कंसल्टेशन नहीं थी. यहाँ से नाम रिकमेंड होते थे, गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव था उनको बनाती नहीं बनाती, एंड बहुत सारी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स भी हुई इस प्रोसेस में. और अल जिहाद ट्रस्ट केस में वही पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स चैलेंज हुई और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर फाइनली उन अपॉइंटमेंट्स को भी कलअदम करार दिया, मगर साथ ही ये होल्ड किया कि जो चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन होगी वो बाइंडिंग होगी. इफेक्टिवली उसको बाइंडिंग कंसल्टेशन कर दिया, उसको रिकमेंडेशन कर दिया. दे यूज्ड द टर्म मीनिंगफुल एंड बाइंडिंग. सो बेसिकली चीफ जस्टिस हैड द लास्ट वर्ड ऑन इट. सो हम एक एंड ऑफ द पेंडुलम से स्विंग करके हम दूसरे एंड पे पहुंच गए. इधर इख्तियार था एग्जीक्यूटिव का, फिर इख्तियार चला गया चीफ जस्टिस के पास. अच्छा, जब ये जो 18वीं तरमीम आई और जिसके अंदर फिर 175A हमने ऐड किया, तो उसमें फिर कोशिश ये थी कि इसको बैलेंस किया जाए, कहीं पे मिडल में लाया जाए कि जहाँ पे जुडिशरी का भी जो है वाइटल इनपुट रहे बट साथ ही पार्लियामेंट्री ओवरसाइट भी आ जाए. जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अमरीका में देखते हैं कि जजेस बनते हैं तो पब्लिक हियरिंग होती है, पब्लिक हियरिंग होती है सेनेट की कमेटी की, लाइव ब्रॉडकास्ट होती है, ठीक है, टेलीकास्ट होती है, होता है सब कुछ, और बड़ी स्क्रूटनी होती है. अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट आप सो आपने उनकी पूरी हिस्ट्री खंगाल कर आप सामने लेकर आते हैं, एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी दैट इज़ रिक्वायर्ड इन एनी सिस्टम. उससे कोई जुडिशरी पर एतमाद कम नहीं होता, लोगों का एतमाद बढ़ेगा जब लोग देखेंगे कि इतनी ट्रांसपेरेंसी है जितनी किसी और सिस्टम में नहीं है, अपॉइंटमेंट के और इंस्टीट्यूशन में नहीं और यहाँ पर है. अच्छा, ये जब आया पेंडल, इसको सेंटर पे लाने की कोशिश की, उस पर अनफॉर्चुनेटली फिर ये हुआ कि वो एक जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की मुनीर हुसैन भट्टी केस में, जिसकी वजह से पार्लियामेंट्री कमेटी का रोल जो है वो रिडंडेंट हो गया. सो वो अब सिंपली अब एक पोस्ट ऑफिस बन गई है कि इधर से जुडिशल कमीशन फैसला करता है और फिर पार्लियामेंट्री कमेटी से ना भी वो फैसला करे, कोई भी फैसला करे, वो पास हो जाती है. सो अब उसको तो रिडंडेंट कर लिया. फिर अब आई थिंक फिर जुडिशल कमीशन पर बहुत भारी जिम्मेदारी फिर आयद होती है. फिर अपॉइंटमेंट्स अगर अच्छी हैं या बुरी हैं वो सब फिर जुडिशल कमीशन के खाते में पाक होती हैं. अब उस पर जो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म जो बार एसोसिएशन या बार काउंसिल्स भी करती हैं, बिकॉज बार काउंसिल्स के नुमाइंदे वहाँ बैठे होते हैं, तो फिर उनका ख्याल ये होता है कि वो जो अपॉइंटमेंट्स उसमें जो इंडिपेंडेंट व्यू है दैट इज़ नॉट हर्ड वेरी मच, दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड वेरी मच. और उसकी भी जो कॉम्पोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन भी ये है कि उसमें ऑब्वियसली जजेस आर इन द मेजॉरिटी एंड द बार काउंसिल्स एंड द गवर्नमेंट नॉमिनी, क्योंकि लॉ मिनिस्टर भी बैठता है, अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल भी बैठता है प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स की हो रही हो, सो वो उनकी मेजॉरिटी नहीं होती, वो बात ज़्यादा बनती नहीं है. सो आई थिंक इसको थोड़ा सा मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स बैड एक्सपीरियंस चीफ जस्टिसेस के हाथ में दिया, वो भी अच्छा साबित नहीं हुआ. अभी अभी मिडिल में आया, वो पार्लियामेंट्री अगर ओवरसाइट होती तो शायद बेहतर होता, बट हमें उसका मालूम ही नहीं पड़ा कि वो कितना बेहतर होता, बिकॉज वो शुरू में ही रिडंडेंट कर दी हो गई. सो अब इसको थोड़ा सा करेक्शन की तो ज़रूरत है, बिकॉज आई थिंक जुडिशरी के अंदर भी ये चैलेंज महसूस किया जाता है कि अच्छी अपॉइंटमेंट्स होना कितनी ज़रूरी हैं, और बहुत अब कोशिश कॉन्शियस एफर्ट भी करते हैं, कॉन्शियस एफर्ट करते हैं कि इसको मज़ीद बेहतर कर लें, मगर उसको कुछ ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड करने की ज़रूरत है ताकि गलती की गुंजाइश कम से कम रहे, एक सिस्टम हो. और जब सिस्टम होता है तो सिस्टम होता ही इसलिए है ना कि इंडिविजुअल की जो जो डिस्क्रेशन है वो ना उसमें
पड़े और फैसला जो है एक प्रोसेस के थ्रू हो जाए, और जब प्रोसेस के थ्रू होगा तो गलती की गुंजाइश कम होती जाएगी. सो इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है. सो ये चारों लेवल्स पर बिल्कुल. अच्छा सर, अब वापस ज़रा आपकी तरफ आए तो अपने चैम्बर पार्टनर्स के बारे में, और कब ये शुरू हुआ, कैसे से? मेरे इस्लामाबाद में पार्टनर हैं बाबर सितार. सो बाबर इस्लामाबाद ऑफिस जो है वो जनवरी 2006 में सेटअप हो गया था. बाबर पहले आ गए थे, एंड ये लाहौर वाला 1 फरवरी 2010 ये बैठे हैं. सो 2010 में हुआ, और अब लाहौर में भी अनदर पार्टनर, वी मेड अ पार्टनर, उन्होंने भी हमारे साथ 2010 में काम स्टार्ट किया था. वो पिछले साल पार्टनर बन गई, एंड वी हैव अ टीम ऑफ 7 लॉयर्स वर्किंग इन दिस ऑफिस, एंड वी हैव अ टीम ऑफ 4 लॉयर्स वर्किंग इन इस्लामाबाद ऑफिस, और वी हैव अ ब्रांच, वी हैव एन ऑफिस इन मुल्तान एज वेल. So yes, it is evolving, it is growing, it has been going well so far. तो वकालत के अलावा और क्या एक्टिविटीज हैं? कुछ लिटरेचर की तरफ लगाओ या स्पोर्ट्स या क्या और क्या? नहीं, so reading, I enjoy reading, because reading जो है वो I thoroughly enjoy on fiction पे नजीब महफूज, the Nobel laureate, Egyptian Nobel laureates, I really enjoy reading him. But generally मेरा बहुत सारा interest biographies और autobiographies में काफ़ी सारा है. So on the side do like to, you know, keep something, keep reading something other than law as well. बाकी उसके अलावा मैं बहुत avid किस्म का, you know, अपना workout जो है, exercise, वो I follow it very diligently, regimentally. So every morning 6 o'clock I am at the gym. So 1 hour अपना workout हर रोज़ सुबह करता हूँ. जब आप इस फील्ड में आए या आज तक भी जब आप फील्ड में हैं, कौन आपके आइडियल रहे हैं इस फील्ड के? यहाँ पाकिस्तान में आप बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में, यूएस में भी आपने काम किया, तो वहाँ पे आइडियल्स, आई थिंक इन दी, इट्स अ टफ क्वेश्चन एक्चुअली, बिकॉज you know, there are people who inspire you, mm-hmm. of course, and you know, one of them is you know, the photographs that you see there, and not because, you know, his inspiration comes for a number of reasons. His early life, you know, he started from behind when he came back after doing his law. Jab Karachi wapas aaye to Mr. Jinnah Punja's business and everything had gone down, had started going down. So Jinnah was on his own practically to make his career. तो वो वहाँ से फिर ही took a decision, because सिंध जो था वो उस वक्त बॉम्बे का हिस्सा था, तो वो बॉम्बे चले गए. Now Bombay was a place which was largely alien for him, because family तो उनकी गुजरात से थी, और कराची में स्कूलिंग हुई थी, फैमिली कराची शिफ्ट हो गई थी वाइल ही वॉज अब्रॉड. तो नई जगह पर जाकर शुरू किया. अच्छा, नई जगह पर जाकर शुरू किया, और बहुत बहुत प्रोफेशनली, बहुत यू नो, काम करने का उनका तरीका बहुत ज़बरदस्त था. सीएम छागला चीफ जस्टिस रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के, और फिर एजुकेशन मिनिस्टर रहे पंडित नेहरू की कैबिनेट में. वो कायदे आज़म के प्यूपल थे बॉम्बे में लेटर ईयर्स में. सो ही उनकी किताब है रोज़ेस इन दिसंबर, ज़रूर पढ़िएगा. उसमें वो फिर लिखते हैं अपने, इस टाइम का भी लिखते हैं जो मिस्टर जिन्ना के बारे में था. सो हिज़ वर्क एथिक एंड हिज़ यू नो, हिज़ फोकस, हिज़ डिटर्मिनेशन, आई थिंक ये वो वाली सारी चीज़ें हैं फॉर एनी यंग लॉयर. वो जो परसिवेरेंस की बात है कि आप यू नो सक्सेस डजंट कम ईजी, मगर आप अपनी कुछ बेसिक एथोस के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें. अपना अपना काम करने का, अपनी जो वर्क एथिक है उसको ठीक रखें, मेहनत करते रहें, तो फिर देर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप यू. फिर सब कुछ ठीक चलता है आपका. किसी के साथ गलत नहीं करें, आपके फेलो कॉलीग्स हो उनके साथ नहीं गलत करें, आपने ऑनेस्टली अपना काम करें,
कोर्ट्स को जो है वो ठीक तरह से आप असिस्ट करें, आपकी जिम्मेदारी है एज अ लॉयर, एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एंड यू नो यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कानून को ठीक तरह से इवॉल्व करने में मदद करें. सो उसमें एट टाइम ये हो सकता है कि आपके क्लाइंट्स के इंटरेस्ट जो है वो कहीं पे, और वो जेपिडाइज नहीं हो रहे होंगे फ्रेंकली, बिकॉज अगर कोई चीज़ इलीगल है तो वो जेपिडाइज कैसे कर सकता होगा. जेपिडाइज तो वहाँ होगा इंटरेस्ट के कोई लॉफुली किसी की चीज़ हो और वो फिर गलत हो जाए. जो लॉफुली किसी की नहीं है तो फिर कुछ नहीं गलत हुआ, फिर सिस्टम अपने बैलेंस पर वापस आए. सो ही हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन फ्रेंकली फॉर नंबर ऑफ रीजंस. For a number of reasons, not because of his politics, his time, his struggle, early years as a lawyer, कैसे अपना नाम बनाया, जगह बनाई अपनी एक जान जगह पे जाकर. I haven't grown up in this city. मैं तो यहाँ LLB करने आया था, उससे पहले तो मैं नहीं रहा यहाँ पे कभी, और मतलब मेरी कोई स्कूलिंग यहाँ की नहीं है लाहौर की. सो बट यू नो मुझे किसी ने बहुत पहले एक दो चीज़ें आपके अर्ली फॉर्मेटिव ईयर्स में जब आपको बताई जाती हैं तो कुछ याद रह जाती हैं, और फिर वो याद भी रह जाती हैं. यू ट्राई टू यू नो मेक देम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. सो एक तो किसी ने कहा कि अपना वक्त बहुत जेलिसली गार्ड करें, आपका है, और सो इस वक्त को जैसे इस्तेमाल करेंगे वो वैसे ही कॉन्सिक्वेंसेस प्रोड्यूस करेगा. दूसरा, टॉप इज ऑलवेज वेकेंट. ठीक है, दैट इज़ फॉर एनीबडी टू टेक, कोई रोक नहीं सकता. सो फिर जो भी मेहनत करे. सो मेरा जनरल वो अपने साथ जो मेरे साथ काम भी करते हैं भी है वो ये कि और अपना खैर अभी तो वी आर ऑल वेरी यंग. सो ना भी व्यू हमेशा से ये रहा है कि आप अपना काम पूरी दयानतदारी से करते रहें, मेहनत से करें. तो ये प्रोफेशन ऐसा है कि जहाँ पे मेरिट है, मेरिटोक्रेसी है. दो प्रोफेशंस, मेडिसिन एंड लॉ. ये नहीं हो सकता कि आपको यू नो आप को मेडिकल प्रॉब्लम हो और आप ऐसे ही किसी अपने जानने वाले के पास चले जाएंगे, वो भले अच्छे हों या ना हो. You'd go and seek best medical advice. And if you get it from somebody who's a complete stranger, you'd go to him. You won't go to your brother if you don't rate him as a good doctor. ठीक, वकील का भी यही है. कोई नहीं होगा कि अपना केस जो है इसलिए अपने किसी भाई या भतीजे को दे देगा कि ये मेरा भाई और भतीजा है, the stakes are high. We'll go and seek best counsel. ठीक, so इसलिए वो जो excellence हासिल करनी है उसका बिल्कुल हर जगह उसकी डिमांड है, आज पाकिस्तान में भी है, रहेगी हमेशा. तो इसलिए वो किसी को, कोई यंग लॉयर हो जो हर प्रोफेशन में बिल्कुल डिटर ना हो, मेहनत करें मत करें, कोई रीज़न ही नहीं है कि अपनी जगह ना बना सके. मेहनत के इस खूबसूरत मैसेज के साथ बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.